नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। लगभग हर इंसान को आर्मपिट में खुजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। आर्मपिट में खुजली के कई कारण हो सकते हैं। कई बार शेविंग के कारण भी आर्मपिट में खुजली होने लगती है, लेकिन अगर आर्मपिट के बालों को ट्रिम किए बिना भी आपको खुजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ये कई गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा कर सकता है। बिना किसी कारण के आर्मपिट में होने वाली खुजली कई मामूली और गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करता है। आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है डर्मेटाइटिस। जब आपके आर्मपिट में खुजली होने के साथ ही सूजन और जलन की समस्या सामना करना पड़े तो उसे डर्मेटाइटिस कहा जाता है। डर्मेटाइटिस होने पर आपकी स्किन पर लाल चकत्ते होने के साथ ही खुजली और सूजन भी होती है। ये समस्या होने पर स्किन पर छाले बनना, स्किन पर पपड़ी बनना जैसे शिकायतों का सामना करना पड़ता है। इंट्राट्रिगो स्किन पर होने वाला काफी कॉमन रैश है। ये अक्सर शरीर के उन जगहों पर होता है जहाँ की स्किन फोल्ड होती है, जिसमें शामिल है आर्मपिट, ब्रेस्ट का निचला हिस्सा, जेनिटल एरिया और पेट। आर्मपिट में इंट्राट्रिगो की एक समस्या होने पर रेडनेस, रैश और खुजली होती है। इसके साथ ही आर्मपिट से अजीब सी स्मेल भी आती है। एक्जिमा एक तरह की खुजली होती है, लेकिन ये सामान्य खुजली से अलग होती है। एक्जिमा होने पर खुजली करते समय कभी कभी खून भी निकल आता है। एक्जिमा आम त्वचा रोगों में से एक है। एक्जिमा होने पर शरीर में तेज खुजली और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। हीट रैश, अगर गर्मियों के दिनों में और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने वाली एक्टिविटीज करने के दौरान आपको अपने आर्मपिट काफी कोमल महसूस होते हैं, उनमें काफी ज्यादा खुजली होती है, तो ये हीट रैश का एक कारण हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का एक दुर्लभ रूप है जो ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में खुजली से जुड़ा हो सकता है, जिसमें आर्मपिट भी शामिल है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के अन्य संकेतों में शामिल है ब्रेस्ट में सूजन, रेडनेस, प्रभावित ब्रेस्ट के आसपास की स्किन सख्त होना, लिम्फ नोड्स के आसपास सूजन होना। अगर आपको आर्मपिट में खुजली की समस्या का सामना काफी दिनों तक करना पड़ रहा है और कई घरेलू उपाय करने के बाद भी आपकी ये समस्या खत्म नहीं हो पा रही है तो जरूरी है कि आप किसी अच्छे स्किन एक्सपर्ट को दिखाएं। तो दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।